वाले तेरे को दिखाई नहीं दे रहे क्या चल रहे है? और अगर घर में बिक्री हो तो बता दे बस। नानू तो गाड़ी ने कोई ना छेड़ता पर नुआ थोड़ा रोड पे पट्टी तो अंदर रहे ना ठीक रहे। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है और ये दोनों देखो बातों में लगे हुए हैं। अब इन्हें होश आ गया भाई, कर दियो स्टार्ट। एक ने तो बता दिया इनके सिर में दर्द हो रहा है भूख के कारण। लो भाई कर दिया खड़ी। चलो बर्थडे गर्ल आगे आ गया हो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30। तो ब्रेकफास्ट कर लिया था घर पे। मैं सोचा चलो गाँव के मोड़ पे कुछ खाया होगा, गाँव के मोड़ पे रेस्टोरेंट है। तो आज तुम्हारी भाभी का हैप्पी बर्थडे है, खाना नहीं बनाया तो चलो कुछ खा के आते हैं और फिर उसके बाद नहा के फिर जाएंगे कहीं बाहर। अभी तो ऐसे है, दोनों उठे ही थे बस, ब्रेकफास्ट करा था, नहाया भी नहीं हूँ। ये नहीं नहाया भाई, मैं नहीं नहाया, मैं थोड़ा लेट उठा था। तो अब कुछ खाने जा रही है, बोल रही थी चाउमीन खाऊंगी। मैं कहा चल ठीक है चाउमीन खा लियो, तो जाने लग रहे। देखो चाउमीन खानी है और कुछ भी खानी। थोड़ी तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। पहले चाउमीन ही खानी है। अच्छा चलो ठीक है, वैसे मैंने कर दिया फोन, जाएंगे तब तक चाउमीन रेडी मिलेगी हमें। वैसे भी चाउमीन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। चाउमीन कौन सी, सिंगापुरी है कौन? चलो ठीक है भाई, मैं भी खा लूंगा थोड़ी सी उसके बाद। तो भाई थोड़ी सी का क्या मतलब, आप खाते हो मेरा खाना ले रहे हो? अरे मतलब थोड़ी नहीं, बहुत मेरे खा लूंगा। थोड़ी बहुत खाने में क्या दिक्कत थोड़ी है? थोड़ी बहुत नहीं, ये बोलो कि मेरा भी मन है, मेरे को बदनाम कर रहे हो। तो वही इसका मन था, मैं चल ठीक है माँ घर आने, मेरा ही मन है ना अकेले का, तो फिर मेरे को ज्वाइन नहीं करोगे ना? घर आने के बाद ही नाऊंगा मैं, कब चल पहला तेरे तो चाउमीन खिला के लाऊं, मेरे नाना तो चल बाद में। तो मन कर दिया फोन भाई रेस्टोरेंट पे, मुझे चाउमीन रेडी कर दो, जाने लग रहे। थोड़ी दूर है, गाँव के मोड़ पे ही है, ज्यादा दूर ना जा रहे कहीं भाई, स्पेशल चाउमीन खान भाई मार्केट जा रहे हो रेस्टोरेंट बहुत अच्छी होती है। बाहर से रेस्टोरेंट से ज्यादा बेटर है। हाँ तो भाई जो यहाँ जो फेमस हो ना बस खा लेना चाहिए बस। तो हमारे यहाँ तो भाई रेस्टोरेंट पे इस पे लगभग सब कुछ ही बढ़िया है, चाउमीन मोमोज ठीक है, चिल्ली पोटैटो वगैरह सब बढ़िया बना, चाइनीज आइटम वैसे तो फैमिली रेस्टोरेंट है, सब कुछ मिला है। तो हम तो चाउमीन ही खाने जा रहे हैं बस, उसके बाद ना कर जाएंगे कहीं बर्थडे, देखते कैसा होगा क्या बोलोग, देखते रहना जो भी करेंगे दिखाते रहेंगे। तो गाँव से निकल लिया है भाई बिल्कुल बाहर, थोड़ी दूर है ये होगा 2 किलोमीटर बस, इससे ज्यादा तो नहीं। ये गांव अपना, ये गांव का मंदिर आ गया, ये गांव का शिव मंदिर है। यहाँ से राइट वो हमारे गांव का मोड़ आ जाएगा, स्टैंड बिल्कुल खराब किया हुआ है भाई, ये दिल्ली है हमारी दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की। हाँ लो भाई पहुंच गए, लेके आने लग रहा हो चाउमीन, बोल दिए। वेट हो रहा है कि ना हो रहा, वेट पेट में से आवाज आ रही है गुड़गुड़ है, हाथी आ भी जाए इस पेट में देख लो भाई। अरे मतलब भूख का लेवल इतना है। अच्छा ज्यादा लेवल है तो हाथी बोलते हैं, कम है तो चूहे। हाँ तो ठीक है, सबके मैं करवा दूँ रेस्टोरेंट में जो जो होता है। लो भाई चाउमीन दे गया, देख लो भाई स्माइल चाउमीन देख कर, कर दे अब स्टार्ट। धूप भी आ रही है फेस पे मेरे, बना रही घर जाके ना के तैयार वगैरह होकर फिर दिखाता हूँ लोग मांग गए। तो सूप पीने आ गए थे भाई, उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे गांव में चौक।
रेडी हो लिया था भाई सुबह, उसके बाद टाइम ना लगा व्लॉग बनाने का। ये सूप पी लो, उसके बाद जाऊंगे क्या अपनी गाड़ी खड़ी। तो लो भाई पहुंच गए हैं, केक ले ले पहला, फिर चलते हैं केक कट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। तो यो है भाई अपना बढ़िया भाई जानकार, इससे बोल के बनवाया था केक। और गाड़ी रोक दे मैं लिया हूँ केक, मोड़ पे वैसे तो गलत जगह रुक रही है, फिर लिया आऊँगे एक मिनट रुको। भाई एक बार देख ला सचिन भाई, सचिन भाई कहाँ गए बुलाना एक बार, फोन दूसरा गाड़ी में और नमक। हाँ एक बार मिला दो, मैं बात कर लेता हूँ अपने सचिन भैया। हाँ हैप्पी बर्थडे वाला सिस्टम लिख दो एक बार, ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। चलो देखो आप अभी फुर्सत में, अभी तो केस केक लेगा सेलिब्रेट करना है, केक ले लो उसके बाद करते सेलिब्रेट। लो भाई भैया ने बहुत अच्छा नाम लिख दिया, ये अपने सचिन भैया हो गया केक रेडी, जुड़े रहो। केक ले लिया है, कहानी खड़ी टार्जन द वंडर कार, चलते हैं पकड़। और अरे आता हूँ, कोई दिक्कत ना आई इतनी उसमें, रोड के बीच में खड़ी करवा दो अगर कोई छेड़ दे तो। अपने बापू के बहन तो मार देना ताऊ की एक नंबरी बात भाई, साले तेरे को दिखाई नहीं दे रहे क्या चल रहे है। और अगर घर में बिक्री हो तो बता दे बस, नानू तो गाड़ी ने कोई ना छेड़ता, पर नू है थोड़ा रोड पे पट्टी तो अंदर रहे ना ठीक रहे, अंदर नहीं कोई। अच्छा उसके बाद में कोई चला नहीं गाड़ी यहाँ तक रखूँ दिन में, ऐसे लगे आईओटी वाइडर की वजह तो वाइडर की वजह जाम लग जाता था, और फिर वो होती थी। सही बात है, आपका जन्मदिन है या गाड़ी का जन्मदिन है? ये मेरी वाइफ का जन्मदिन है। कोई बात नहीं भाई, बड़ी खुशी तो मना का हमने देखा नई गाड़ी है, सब कुछ मिलेगा मेरा। ठीक है ताऊ। लो भाई कर दिया खड़ी, चलो बर्थडे गर्ल आगे आ गया, वो आज तक भीड़ सी को ना वो ही लगवा रहा था हैप्पी बर्थडे। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है और ये दोनों दिख बातों में लगे हुए हैं, अब इन्हें होश आ गया, कर दिया स्टार्ट। एक ने तो बता दिया इनके सिर में दर्द हो रहा है भूख के कारण, बता ले अब किसकी चटोरी जीभ है, कल मेरी बोल रहे थे ना। ये दोनों भूख कर वन टू और क्या मंगा ली इसके बाद है? भाई एक कौन से कबाब है बताइए मैडम एक बार बता। वेज दही कबाब आओ बनाने और क्या। तो ये ऑर्डर करें मगा इसने खा लिया, फिर उसके बाद केक कट करेंगे। लोकेशन बताइयो कैसी है, कैसी है बढ़िया है, तेरी शिकल तो सुतरी है लोकेशन कम बोलो और ये लाइन ना कट जानी चाहिए ना, बताओ या लाइन ना कटा भाई देख लियो। ठीक है चलो ये खा ले पहला, उसके बाद मिलते हैं। मैडम ने दही कबाब ऑर्डर करे थे, खाए नहीं जा रहे, इनका पेट भर गया, स्टार्टर्स में भर गया, मेन कोर्स क्या मंगाया, मेन कोर्स के भाई देख लो पैसा पानी की तरह बह रही है जो चीज बढ़िया लगा वह मंगानी चाहिए, पर तो बढ़िया तो थी ना, मैंने अच्छी थी लेकिन फीलिंग ज्यादा थी मेरी, बच रहा मन तो खाया बिना मेरा नहीं केस होता था भाई, तुमने तो पकौड़ी की तरह खाया ऐसे तोड़ के चटनी में लगा सारा खा गया लास्ट वाला खा रही इस बात ने नोट मत करियो भाई इस मारी में परें झूमर दिखा दू। चलो ये छोड़ रहा है, अभी तो नहीं खाना, ये टिक्की की तरह मैं तो अभी रह रहा भाई, मैं तो बना ही रह रहा हूँ। भाई ब्लॉग बना लिया और क्या करिए,
उसमें कर दी मैंने 60 पीएस में। हाँ हाँ 4K। गाना तो चाल भी ना कोई ना करते हैप्पी बर्थडे भाई ने लेट कर दिया सोंगे ना चला इतनी देर में चलो भाई चलो, इसका ये समझ में नहीं आ रहा। प्रिंसेस खवा दे। लो भाई बताइयो केक कैसा है। प्रिंसेस तो उल्टा हो रहा है। चलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बोलो मुझे। कैसा था बर्थडे? जैसा होया भाई एट ए टाइम ऐसा। अभी तो फैमिली के साथ भी तो मनाना है घर पे जाके। हां चलो ठीक है। एग्जिट हो गई, अब बर्थडे हो गया सेलिब्रेट। बाय बाय मोती महल। मोती महल बता दिया। वैसे होगा। बाय बाय मोती महल। बाय, हमारा सेलिब्रेशन हो गया है। हम चले अब अपने घर। ठीक है भाई, हमारी तिगड़ी बन गई है 1-2 भैया। अपने खड़ी गाड़ी अरे डन। ये अपने ताऊ जी आ गए। हाँ काट काट के चक्कर में बोला अगर धोरे गाड़ी का धोरे मोटरसाइकिल कर ली ना है। तो भाई साहब देख ले इतना मतलब गिरते हुए आदमी है, तेरी रील बना देगा भाई। अंकल जी ने बहुत ध्यान रखा हमारी कार का। ना अंकल जी बढ़िया कर दिया अपने। बहन जी इतनी महंगी गाड़ी के लिए ध्यान रखना पड़ता है। सस्ती थी अंकल, यहाँ कितनी महंगी है गरीब आदमी। अच्छा तो गरीब है यार, क्यों मतलब दुनिया ने यहाँ गरीब बना रहा है। ना ना ठीक अंकल, सेवा कर एक बार बैठ ला आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लो। ठीक अंकल जी, ये तो मेरे भंसे थे भाई। जरूर जरूर फिर आऊंगे अंकल। ठीक है मेरे लिए तो रोज आओ। बताओ आप गाड़ी की छत पे बैठ जाते हैं? ना ना ठीक है चल बैठ। मतलब बच्चे होंगे ना वो निकल कर यहाँ खड़े होंगे गरीब बच्चे के लिए। हम ठंडी हवा ले रहे हैं। बच्चे भी होंगे नुकसान भी रहेगा सब बढ़िया सब कुछ रहेगा भगवान। एक अंकल जी बहन जी देखो बच्चों के लिए सब। थैंक यू। लो अब मेरे को ना सनरूफ में से निकाल दो बस। लो भाई इसकी डिमांड सुन लो। सही है ना जब देख लो इसके ड्रामे। इतनी ठंड में बुरा हाल भाई। घर तक ऐसे ही जाऊंगी। देखो भाई जाओ, बीमार हो गए तो खुद दवाई लेनी है। ले ओ बस 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 भाई नहीं दे दो। देखो अभी जाम में फंसे हुए हैं जी। सनरूफ में तो निकली जाम में लग गया है। आपकी नजर लगी, आप मना कर रही थी। वैसे जाम में खड़े रहो, सनरूफ यही सनरूफ है भाई। आगे ट्रक वाले ने अड़ा दी, कती रोंग बाढ़ रखी है और इतना चौड़ा रोड होने के बावजूद।